रायबरेली के मेरे प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी जो आपके नए सांसद हैं, और किशोरीलाल शर्मा जी जो अमेठी के नए सांसद हैं, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई। ये हुई ना बात, आपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। पहली बार चुनाव संचालन में किशोरीलाल शर्मा जी नहीं थे, अपना चुनाव लड़ रहे थे अमेठी में, लेकिन इनका कमान निर्मल शुक्ला जी ने, विजय शंकर अग्निहोत्री जी ने, पंकज जी ने संभाला और हमें उनकी कमी महसूस नहीं की पड़ी, क्योंकि आप सब ने पूरी मेहनत से दिन रात काम किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों जिला के अध्यक्ष, अमेठी के जिला अध्यक्ष, रायबरेली के जिला अध्यक्ष पंकज जी, प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी पूरी जी जान लगाकर आपने काम किया। मंच पर विराजमान मैं बहुत पूर्व विधायकों को देख रही हूँ, अशोक सिंह जी हैं, पंजाबी सिंह जी हैं, आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, इस चुनाव में सब ने पूरी भागीदारी दिखाई और सब दौड़े, सब ने काम किया। यूपीसीसी से हमारे साथी यहाँ आए, अजय राय जी, अविनाश पांडे जी मंच पे बैठे हैं, मोना जी बैठी हैं, लेकिन 70-80 या शायद 100 ऐसे हमारे साथी जिन्होंने हमारे साथ 2022 में बहुत काम किया, वो भी यहाँ आए, आपके साथ न्याय पंचायतों में रहे, उन्होंने काम किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में लेकिन कम नहीं, मेरे समाजवादी पार्टी के सभी साथी जो मंच पर विराजमान हैं और सभी कार्यकर्तागण जिन्होंने एकजुटता दिखाकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव लड़ा, तो हमने एक यहाँ एक सेना बनाई और इस सेना के तहत आपकी मजबूती से दोनों रायबरेली और अमेठी हम जीते। ये एक ऐतिहासिक जीत रही। यहां से मुझे गर्व होता है इस बात को कहने में कि यहां से, अवध से, पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। मैं अपने AICC के सचिवों को भूल गई, सबसे ज्यादा काम मैं इन्हीं से कराती हूँ। AICC के सचिवों को और संदीप को भी धन्यवाद, क्योंकि आप सब ने भी दिन रात मेहनत की। देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, सिर्फ आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी इस बार चुनाव लड़ने के लिए, मैंने कहा था कि लगभग 300 घंटे हैं, दो दो तीन तीन घंटे निकाल लीजिए सोने के लिए, बाकी सब काम करेंगे, और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं। और जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।